नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। और आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज और मैं हूं रमेश शर्मा। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आजकल हिमाचल प्रदेश में समोसा नाम की चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति समोसे पे चर्चा कर रहा है, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा इसमें बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, क्योंकि चर्चा तो बनती है। लेकिन जैसा कि जीवन उत्साह न्यूज का नेचर है कि हम चर्चा बड़ी सकारात्मक करेंगे और टू द पॉइंट करेंगे। देखिए, समोसा खाना कोई अपराध नहीं है, और इससे पहले समोसे नहीं खाए गए हो ऐसा भी कोई नई बात नहीं है कि कोई नई बार समोसे की बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से पूरे मीडिया में और पूरे एक कैंपेनिंग समोसे को लेकर चलाई जा रही है विपक्ष द्वारा भी, चाहे वो भाजपा के स्पेशली जयराम ठाकुर जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस तरह से समोसे की कैंपेनिंग उन्होंने चलाई हुई है जैसे उन्होंने जिंदगी में समोसा कभी खाया ही नहीं है, पहली बार ही उन्होंने समोसा चखा है। मैं मुख्यमंत्री पूर्व में रहे श्री जयराम ठाकुर जी या बाकी लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मुद्दे तो हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत हैं, आप उन पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब मोदी जी चाय पर चर्चा कर सकते हैं तो आप भी समोसे पे चर्चा कर सकते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक माहौल बनाकर पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को यह दिखाने का कोशिश करें कि समोसा राजनीति पर हावी हो गया है। और दूसरी बात, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और खासकर आपके पास एक बड़ी जिम्मेवारी है हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, तो आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर आज एक बड़ा इशू बना हुआ है, हमारे युवाओं को आज रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तब आप ये चर्चाएं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आपके मंत्रिमंडल में बैठकर उसी समस्या के साथ में आप ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए? क्योंकि आप भी नेता प्रतिपक्ष हैं, केंद्र में आपकी सरकार भी है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंदर नशे को लेकर आज एक माहौल बना हुआ है। एक मैं आंकड़ा पढ़ रहा था जिसमें ये आंकड़ा 2-3 दिन पहले की अखबारों में ही प्रकाशित हुआ था, जिसमें बताया कि हिमाचल प्रदेश का कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले युवाओं में 34% युवा नशे की गिरफ्त में है। जयराम ठाकुर जी, आपको समोसे दिख रहे हैं तो क्या आप लोगों को वो नशा नहीं दिख रहा है कि वो बच्चे जो नशे में घिर गए हैं उनको कैसे इससे बाहर निकाला जाए और कैसे उस पर चर्चा की जाए? आप समोसे पर आप राजनीति कर रहे हैं, तो आप युवाओं को उस नशे से मुक्त करने के लिए, नशे से निकालने के लिए वो राजनीति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है। आप समोसे के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं सरकार को। अरे मैं कहता हूं समोसे की जांच होगी नहीं होगी वो एक मैटर अलग है, वो अलग चीज है कि वो समोसा आया किसने खाया किसकी जांच होगी, पर आप लोगों ने राजनीति को मजाक समझा हुआ है और आप ये ट्रोलिंग का जो ये कंसेप्ट चला रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसी कंसेप्ट को मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्यों ऐसा कंसेप्ट नहीं चला रहे हैं? क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बताइए आज युवा नशे में क्यों जा रहा है? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या आप उसको ऊपर नहीं देख सकते हैं? आप लोग जरूर इस पे कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।